आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोलाइट, जिसमें आज हम करेंगे जियोलाइट एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट जो कि एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो एम एक्स अपॉन एम ए एल ओ टू एक्स एस आई ओ टू वाई इंटू जेड एच टू ओ होता है। इसमें जो एन है, एन जो चार्ज होता है, एन क्या होता है, कोई भी चार्ज होता है जो कि मेटल के ऊपर होता है, एम एन पॉजिटिव यानी कैटायंस, जैसे कि एन ए पॉजिटिव, के पॉजिटिव और सी ए टू पॉजिटिव। जेड जो है, ये जो जेड रिप्रेजेंट किया गया है, ये होते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन होती है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो जो से कि नेचर में पाया जाता है हनीकॉम लाइक का स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो नेचर में भी पाया जाता है और सिंथेसाइज भी किया जाता है लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में। इसमें जो फॉर्मेशन होती है, इसमें जो इसकी जो फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वो ऑक्साइड कैटालिसिस होती है। जियोलाइट का यूज हम एज अ कैटलिस्ट करते हैं, जिसे हम हीट करते हैं वैक्यूम में, ताकि सारे वेव वाटर के जो हाइड्रेशन है वो लॉस हो जाए। और जब वाटर के हाइड्रेशन लॉस हो जाते हैं तो जियोलाइट पोरस बन जाता है, और इसमें क्या होता है कि कैविटीज आ जाती हैं, एक केज लाइक का स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वैकेंट हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो जिससे वो पोरस हो जाता है, वहां पे एक वैकेंसीज बन जाती है। ये साइज उनका जो पोर्स बन जाते हैं, जो साइज होता है पोर्स का, वो 260 पीएम से 740 पीएम तक का होता है, और वही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एड्सॉर्ब हो सकते हैं जिनका साइज या तो उन पोर्स जितना होगा या उससे भी छोटा होगा, और जो कि इजीली उसमें से लीव भी कर सकेंगे, तो वही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एड्सॉर्ब होंगे। तो इसमें क्या है, जो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस स्ट्रक्चर के अंदर एड्सॉर्ब नहीं होते हैं। तो जो जियोलाइट है वो एक्ट करता है एक सिलेक्टिव एड्सॉर्बेंट की तरह। अब यहाँ पे इसका जियोलाइट का यूज एज अ कैटलिस्ट किया जाता है, तो इसमें क्या है, इसका यूज हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग के लिए भी किया जाता है, क्रैक करने के लिए इनको। तो जो एल्कोहल्स होता है, अगर हमको जियोलाइट की प्रेजेंस में, जेड एस एम की प्रेजेंस में, फाइव की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये होता है जियोलाइट। अब देखिए, एंजाइम्स का हम यूज एज अ कैटलिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, वो कैटलाइज की जाती है एक स्पेशल कैटालिसिस से, जिसे कि एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम जो होते हैं ये बायोकेमिकल कैटालिसिस होती है, जिसमें सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये ग्लोबल प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं। इनका हायर मॉलिक्यूलर मास रेंज होता है वो 15,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल होती है। अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं अलग अलग एंजाइम से होती हैं। अगर हम इनकी रिएक्शंस, एंजाइम्स और सोर्स देखें, एग्जांपल है हमारे पास ये जो है C12H22O11, ये है सुक्रोज। सुक्रोज जब H2O के साथ रिएक्ट करता है इन्वर्टास की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और मेंटोज, जो फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ये इन्वर्टास क्या है, ये जो इन्वर्टास है ना, ये एंजाइम है, यानी ये रिएक्शन इस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। और ये एंजाइम किस में पाया जाता है, इन्वर्टास एंजाइम यीस्ट में पाया जाता है, जो कि खाने में यूज किया जाता है, यीस्ट में ये एंजाइम पाया जाता है। तो उसका सोर्स क्या है, यीस्ट। ये तो हमारी रिएक्शन है किसकी, हमने सुक्रोज से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनाया। एंजाइम क्या है, इन्वर्टास है, और इसका सोर्स क्या है, इन्वर्टास किसमें पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। ऐसे ही अगर ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है, ये जाइमेसिस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल बनाता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जाइमेस क्या है, जाइमेस
ये तो हमारी रिएक्शन है, ये हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। और ये एंजाइम किस में पाया जाता है, ये एंजाइम इसका जो सोर्स है जिसमें ये एंजाइम पाया जाता है वो यीस्ट ही होता है, यीस्ट में ये एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टार्च, 2C6H10O5N, ये है स्टार्च। स्टार्च NH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है किसकी एंजाइम का, ये तो रिएक्शन है हमारी, एंजाइम है डायास्टेस, डायास्टेस के एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जो डायास्टेस है ये कहाँ पाया जाता है, कौन से सोर्स, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, ये जो मिलता है माल्ट से मिलता है हमें, और जिससे हमारे पास माल्टोस बनता है, C12H22O11, ये माल्टोस बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोस, हमने माल्टोस लिया है, ये है माल्टोस। देखिए इनके फॉर्मूला थोड़े सेम है लेकिन ना इनके जो फीचर्स होते हैं ना अलग अलग होते हैं, फॉर्मूला थोड़े सेम है ये। तो माल्टोस जो H2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जब ये माल्टास के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो इसमें ये हमारी रिएक्शन माल्टास, माल्टास एक एंजाइम है, और माल्टास किस में पाया जाता है, जो माल्टास है वो भी यीस्ट में पाया जाता है। और जब ये रिएक्शन होती है इस एंजाइम के प्रेजेंस में तो हमारे पास ग्लूकोज यानी कि 2C6H12O6 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट होता है CH3CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहें, O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो CH3COOH प्रोड्यूस करता है और H2O प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो एंजाइम होता है ये हमारे पास माइकोडर्मा एसिटी होती है, माइकोडर्मा एसिटी इसका एंजाइम होता है। और माइकोडर्मा एसिटी का जो सोर्स होता है, जो वो किस चीज में पाया जाता है, वो होता है ओल्ड विनेगर यानी जो बहुत पुराने विनेगर होते हैं, सिरका होता है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास NH2CONH2+H2O, ये क्या है, यूरिया। जब यूरिया H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यूरिस बनाता है, यूरिस, यूरिस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है यानी ये एंजाइम है, तो अमोनिया बनाता है और CO2 पर जो प्रोड्यूस करता है यूरिस की प्रेजेंस में। यूरिस क्या है हमारे पास, एंजाइम है। और ये जो यूरिस है वो कहाँ पे, किस, कौन से सोर्स में, कौन सी चीज में पाया जाता है, ये पाया जाता है सोयाबीन्स में, यूरिस एंजाइम सोयाबीन्स में पाया। नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है स्पेसिफिसिटी, हर एक एंजाइम जो है वो कैटालाइसिस की तरह वर्क करेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये नहीं कि हर एक एंजाइम को हम किसी, आप किसी भी रिएक्शन के लिए वर्क करवा सकते हैं। जैसे कि ये है यूरिया, यूरिया जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यूरिस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, यानी एंजाइम यूरिस की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तभी अमोनिया और CO2 बनेगा। सेम अगर एन मिथाइल यूरिया ले लिया, एन मिथाइल यूरिया लिया है, इसको H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे यूरिस की प्रेजेंस में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, यानी कि पर्टिकुलर एंजाइम हमें चाहिए होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी कि हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शन के लिए वर्क करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आप नॉर्मली अपने घरों में देखते हो दही जमाते हो तो दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है लैक्टिक बैकिली, ये जो एंजाइम है उसका नाम जो होता है ना लैक्टिक बैकिली, ये एंजाइम का नाम है। और इसका सोर्स क्या होता है, दही यानी कर्ड, कर्ड ही इसका सोर्स होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा दूध गर्म करके जब थोड़ा सा दही डालते हो, कर्ड डालते हो, उसके अंदर लैक्टिक बैसिली एंजाइम होता है, वो पूरे दूध को, उसके जो बैक्टीरिया है पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे एंजाइम और सोर्स होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, स्पेसिफिक सोर्स चाहिए होता है, उस सोर्स में वो एंजाइम होना चाहिए जिसकी वजह से वो रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इन टू पेप्टिसाइड इन पेप्टिडाइज इन स्टमक, पेप्टिडाइज में यानी जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पेट में, जो हम खाना खाते हैं जो प्रोटीन्स होता है वो पेप्टिडीज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और ये पेप्सिन एंजाइम हमारे पेट में ही होता है। पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टिडीज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल
यहाँ पे हमारे पास है सुक्रोज C12H22OH11, H2O के साथ रिएक्ट करेगा इनवर्ट टास्क की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा। और ऐसे ही अगर मेल्टोस लिया है, अगर मेल्टोस H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और मेल्टास की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज ही बनाएगा, फ्रुक्टोज नहीं बनाएगा। नेक्स्ट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड है उन्हें बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं 10^20 तक। और ये जो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे फूड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमाइड में, यानी पेप्टिडी बॉन्ड्स में, जो इजिली हाइड्रोलाइज होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग एंजाइम के थ्रू। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम ही एफिशिएंट, यानी कि थोड़ा सा एंजाइम। नेक्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम काफी होता है उसकी हाई एफिशिएंसी के लिए, यानी कि एक छोटा सा एंजाइम पूरा काम कर देता है। यानी ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स नहीं चाहिए होते हैं। आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हो तो आप बहुत सारे दही नहीं डालते हो, बिल्कुल जरा से डालते हो, और उससे क्या होता है कि वो सारी दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रीजन इसलिए होता है कि जो केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि अपना वर्क करके रीजनरेट होते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब एक एंजाइम ने और एंजाइम्स बनाए, वो भी वर्क करने लग गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, तो 1,000,000 times हो जाती है वो पर मिनट में। तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सारा काम खत्म हो जाता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दूध का जमना। थोड़ा सा एंजाइम हम दूध में डालते हैं तो वो बहुत सारे एंजाइम्स बना के रीजनरेट होते रहते हैं और पूरे दूध को कर्ड बना देते हैं। ऐसे ही जो H2CO3 है, अब यहाँ पे क्या है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये क्या करता है, CO2 और H2O बनाता है। अब यही फिर से मिलके कार्बोनिक हाइड्रेस करते हैं, पहले एनहाइड्रेस करते हैं, हाइड्रेस करते हैं तो H2CO3 वापिस से कन्वर्ट कर देते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस हो जाती हैं। नेक्स्ट हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। एंजाइम्स जो होते हैं, कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, वो मैक्सिमम रेट जो होता है इसका जो pH है अराउंड 7.4 होना चाहिए, और जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37°C होता है 1 atmosphere प्रेशर पे। और इस कंडीशन में जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन है वो अक्कर नहीं होती है। तो इसे हमें ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, pH को इंक्रीज कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी राइज कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर लेवल आता है जब रिएक्शन राइज करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, टेम्परेचर पे राइज करते उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर या फिर को एंजाइम्स। जो एक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर एंजाइम की, उसे इंक्रीज किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रेजेंस में, यानी को एंजाइम की प्रेजेंस में। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसमें, प्रोटीन में कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन भी होते हैं, जो कि वो विटामिन जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी हम एनहेंस कर सकते हैं इसकी कंसाइडरेबिलिटी को, जैसे कि मेटल के आयंस होते हैं जो एक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे कि मेटल के आयंस Na+, Mn2+, Cu2+, CO2+, ये जो मेटल आयंस होते हैं ये वीक बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ, जिससे कैटलिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट होते हैं एंजाइम्स इनहिबिटर्स एंड पॉइजनस। देखिए कैटलिस्ट जो होते हैं इसकी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, ये स्लो कर देते हैं, यानी कि पॉइजन्स टाइप के होते हैं, जो कि ऐसे चीजें जो कि एंजाइम को स्लो कर दे, ठीक है ना, उनके एक्टिविटी को स्लो कर दे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रेजेंस में, उसे इनहिबिटर्स या पॉइजन्स कहा जाता है।
ये जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं एक्टिव फंक्शन ग्रुप के साथ, और कभी कभी क्या होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उसे कम कर देते हैं, कभी कभी उसे तोड़ भी देते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को ही खत्म कर देते हैं। ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कैटलिस्ट को, जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कर रहा है उसे तोड़ देते हैं, खत्म भी कर देते हैं, ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म में सपोज कीजिए हमारे पास एंजाइम है, ये है हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम है ये लॉक की तरह काम करेगा, ठीक है, ये है एंजाइम जो कि कैटलिस्ट है। अब दूसरा है हमारे पास एंजाइम के पास कोई चीज होनी चाहिए जो कि इसके साथ वर्क करे, क्योंकि एंजाइम क्या करेगा, छोटा सा एंजाइम काफी होता है पूरी रिएक्शन को करने के लिए। तो अब आया रिएक्टेंट, जिसने रिएक्टेंट है जो, ठीक है ना, जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। अब ये जो रिएक्टेंट है इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और या फिर बोलेंगे रिएक्टेंट ये की है, इसको की तरह यानी चाबी की तरह काम करेगा, और ये लॉक की तरह काम करेगा। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम और ये सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करेगा, जो हमने रिएक्शन की, रिएक्टेंट ने क्या किया, रिएक्टेंट में हमने कैटलिस्ट का यूज किया, ये है कैटलिस्ट, तो ये क्या आपस में मिलेंगे। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने रिएक्शन करानी स्टार्ट कर दी, यानी कि रिएक्टेंट को की और की लॉक मेथड है ये, इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं एंजाइम रिएक्शन का। तो ये यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये क्या है, अब क्या बन गया, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट था, अभी एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन बन गया। और अब क्या हो गया, एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर से वैसे का वैसा ही रहेगा, और प्रोडक्ट दो हिस्सों में टूट जाएगा, प्लस प्रोडक्ट एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। ये जो मेथड है लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, यानी एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ा, एंजाइम ऐसा का ऐसा ही है जैसे था, लेकिन उसने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या हुआ है, एंजाइम, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ES कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये वाला कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, एंजाइम प्रोडक्ट बनाया, ये है एंजाइम प्रोडक्ट बनाया, और इस एंजाइम प्रोडक्ट ने क्या किया, एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।